हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? भाषा और बोली। वेरी गुड, सबने रिवीजन किया था ना। चलिए बच्चों, अब अपनी अपनी किताबें निकालिए। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2, जिसका नाम है स्वरों की मात्राएं। वोवेल्स मार्क्स। वोवेल मार्क्स, स्वरों की मात्राएं, वोवेल मार्क्स। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबने अपनी किताबें निकाल ली। वेरी गुड। चलो, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मात्रा यानी मार्क्स। जब व्यंजन और स्वर का मेल होता है तो स्वर का रूप बदल जाता है। यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। निम्नांकित चित्रों को ध्यान पूर्वक देखकर उनके नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। चलिए बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, हम इन्हें देखते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहली तस्वीर किसकी है? शेर। दूसरी तस्वीर हवन। तीसरी तस्वीर छाता। चौथी तस्वीर कुर्सी। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं ये किन किन ध्वनियों से बने। यानी कि हमने जो शेर बोला बच्चों, तो वो शेर किन ध्वनियों से मिलकर बना है। इन शब्दों की ध्वनियां इस प्रकार है, देखते हैं हम। शेर, शो, ए, रो, ओ, मिलकर क्या बना बच्चों? शेर। हवन, हो, ओ, वो, ओ, नो, ओ, क्या बना बच्चों? हवन। छाता, छ, अ, तो, आ, छाता। कुर्सी, को, उ, रो, ओ, स, ई, क्या बना बच्चों? कुर्सी। चलिए, बहुत मजा आया। हमने देखा ना, शेर, छाता, कुर्सी किस किस आवाजों से, ध्वनि यानी आवाजों से मिलकर बना है। आगे देखते हैं। बॉक्स में लिखे सभी वर्ण स्वर हैं। ये सभी स्वर व्यंजन के बाद प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार शब्द निर्माण हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी हमने क्या देखा? अभी जो हमने छाता, कुर्सी, शेर पढ़ा, इसमें जो शब्द है जो येलो कलर के यानी कि पीले कलर से जो बॉक्स में लिखे हुए हैं बच्चों, ये सभी वर्ण क्या है? ये सभी वर्ण स्वर है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। स्वर ओ की मात्रा नहीं होती, शेष स्वरों की मात्राएं होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। स्वर, मात्रा, व्यंजन जमा स्वर, व्यंजन जमा मात्रा, मात्रा लगाकर शब्द और चित्र। चलिए बच्चों ये चित्र देखते हैं। ओ कोई मात्रा नहीं, अभी हमने पढ़ा। को ओ, को ओ, क्या बना? को, को रो, कर, कर। बच्चों चित्र में क्या दिया गया है? हाथ। कर मतलब हाथ। चलिए ऐसे ही कुछ तस्वीरें आगे देखते हैं। आ, को, अ, क, यानी कान। बच्चों क्या बना इससे? कान। अ की मात्रा से क्या बना? कान। ई, कु, ई, की, किरण, सूरज की किरण, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। को, ई, की, कीप, पानी जिससे भरते हैं बच्चों, जो पतली सी होती है क्या होती है वे? कीप, उसमें आती है पड़ी की मात्रा। कु, बनने वाला शब्द कुत्ता, देखिए चित्र में कुत्ता। कु, कूप, कूप माने बच्चों कुआं। रु, कु, रु, कुर, कृमि, देखिए चित्र में दिया गया है। को ए के, केला, केला जो कि सबको बहुत पसंद होता है। ए के, कैलाश, कैलाश पर्वत। को ओ को, कोयल, कू कू जो करती है कोयल। औ को ओ को, कौवा, काव काव। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होते हैं? को, को पे अंक की बिंदी, को, क्या बना बच्चों? कंबल। अनुनासिक, को, कोप चंद्र बिंदु, क्या बना बच्चों? कंटीला। विसर्ग, तो, हो, प्रातः यानी सुबह। चलो बच्चों, अभी हमने क्या देखी? अभी हमने स्वर देखे, स्वर की मात्राएं देखी,
और अनुस्वार अनुनासिक विसर्ग देखिए। अब हम देखते हैं, कुछ विशेष पढ़ते हैं। आ ई ओ औ की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है, ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है, ए एक ए ऐ की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, ओ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। चलिए बच्चों, ये जो अभ्यास दिया गया है ये आप घर से करके लाइएगा। आज हमने पढ़े हैं स्वर की मात्रा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।